सचिव संघ को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। आर्थिक समस्याओं को झेल रहे यह सचिव सरकार से नाराज हैं और अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए सचिव संघ ने सीओ जनपद के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया में सचिव संघ ने 5 माह से वेतन न मिलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन तामिया जनपद सीओ को सौंपा और नाराजगी जताई। यही सचिव ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्रामीणों का कार्य करते हैं और अब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। इस आर्थिक संकट की स्थिति में कई के ऊपर बैंक के लिए कर्जे हैं जो चुकाने में समस्याएं खड़ी हो गई हैं। सचिवों के परिवार की अर्थव्यवस्था खराब होने पर नाराज सचिवों ने मुख्यमंत्री से अपील की कि हमारा 5 माह का वेतन दिया जाए और वेतन का हर महीने भुगतान हो सके, जिससे हम लोग ग्रामीणों के लिए अच्छा काम कर सके। और सचिव संघ ने एकत्र होकर ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी भी दी है कि यदि वेतन नहीं मिला तो पूरे ग्राम पंचायत का काम ठप कर दिया जाएगा, कोई भी काम नहीं किया जाएगा। पंचायत सचिव संगठन की ओर से समस्त सचिवों द्वारा माननीय मुख्य कार्यपालिकारी महोदय एवं आयुक्त महोदय के नाम पे ज्ञापन दिया है। विगत 3 माह से हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है, आवंटन नहीं है और हमारे सारे लोगों के लिए एक रोजी रोटी का संकट आ गया है। इसलिए हम चाहते हैं शासन से कि जल्द से जल्द हमारा आवंटन दें जिससे हम हमारी को वेतन मिल सके। ये नहीं मिलता है 7 दिन के अंदर तो हम वेतन नहीं तो काम नहीं, ये हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष का भी निर्णय है और उसी के तहत हम ज्ञापन दे रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।